गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी आपके एग्जामिनेशन के लिए? अभी आपका 8 दिसंबर को सीटेट होने वाला है। आप जानते हैं कि टीचर बनने के लिए आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी लगा दी गई है कि आपका सीटेट होना कंपलसरी है। आपकी DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है, KVS की भी। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जितने मार्क्स आपके सीटेट में आएंगे, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन उतनी ही पॉजिटिव है। किसकी तरफ? आपके मेन एग्जाम की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 मंथ से भी कम समय में अपना सीटेट क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस के लिए नोट्स भी ले सकते हैं। विजय सर आपको स्टडी पोर्टल के अंतर्गत ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको प्रिंटिंग नोट्स अवेलेबल कराते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर वन डे एग्जाम, चाहे वो आपका TCT, PGT, KVS, DSSB कुछ भी हो, CTET, UPTET ऑल्सो। आप हमसे फोन करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने से स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। स्टडी पोर्टल से हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर हम बात करें संविधान की, तो हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं आजकल। आज हम बात करेंगे अपने मौलिक अधिकारों की। तो आज हमारे चैप्टर का क्या नाम होगा बेटा? आज हमारे चैप्टर का नाम होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर आपके TCET के एग्जाम्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। मौलिक अधिकार इतने जरूरी क्यों हैं? मौलिक अधिकार से ही सबसे पहले बात याद रखेंगे आप मौलिक अधिकार के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ये सारी सुविधाएं वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं हिंदुस्तान के अंतर्गत। ये अगर हम बात करें शरणार्थियों की, शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कब होती है? तब होती है क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो कहीं के भी सिटीजन नहीं है। और ये अधिकार सिर्फ किनको मिले हैं? जो कि यहाँ के नागरिक हैं। मौलिक अधिकार बेसिकली USA से लिए गए हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है USA से। अमेरिका से मौलिक अधिकार का विचार लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? ये लिया गया USA से। अमेरिका से मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? पहला क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, कौन से भाग में वर्णित है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, यानी उनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को, अभी बात कर रहे थे ना मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा बेटा यहां से। आप देखिएगा इस चैप्टर से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं। भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे हम सबसे पहले। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे जरूरी है क्या कि आप क्या समझें, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी उनके वर्ड्स मीनिंग पर काफी ध्यान दें कि उनका मतलब क्या है।
भारत के संविधान के भाग 3 को क्या कहा गया है? भारत का अधिकार पत्र कहा गया है, यानी वो पत्र, वो हिस्सा जिसमें सिटीजन्स को क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। तो भाई कॉमन सी बात है, अधिकार यानी राइट्स, पत्र यानी लेटर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? भारत का अधिकार पत्र कहेंगे। याद रहेगा ये आपको। दूसरी बात, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं बेटा इसको, वो भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इससे अगला क्वेश्चन कहां से बनेगा? हम बेसिकली चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा रही हूं मैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, उसमें से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकलने लगेंगे। ये कहता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? जी हां, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बन गया एक और, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता। बस मात्र संशोधन इतना किया जा सकता है कि किसी के मौलिक अधिकार से किसी और के मौलिक अधिकारों को ना छीना जाए। राष्ट्रीय आपात स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति में 352 आर्टिकल के अंतर्गत में, छोड़ दीजिए आप यहां पर, के अंतर्गत दो मौलिक अधिकार कौन कौन से? जीवन की स्वतंत्रता वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर स्थगित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इस पूरे सेंटेंस पर। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद नंबर 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होगी, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग दो आर्टिकल्स को छोड़ के, क्या आर्टिकल्स हैं वो? राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ लिबर्टी को छोड़कर, ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, इन दोनों को छोड़कर उनको क्या किया जा सकता है? उनको स्थगित किया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए उन पर रोक लगाई जा सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि वो दो कौन से अधिकार हैं जिनको छोड़कर क्या किया जा सकता है, जिनको छोड़कर अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है यानी स्थगित किया जा सकता है, वो दो कौन कौन से हैं? जीवन की स्वतंत्रता और बताइए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, आ जाइए बेसिक तौर पर मूल अधिकार कितने प्रकार के थे बात करेंगे हम। मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या बेसिकली कितनी थी? 7 थी। सामने बेटा याद रखना, अगर वो पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कितने थे, याद रखिएगा, तो कितने थे? 7 थे, ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, कितने थे? 7 थे, याद रहेगा आपको। लेकिन अब आप कहेंगे मैम ने फिर लेकिन लगा दिया, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 42वां संशोधन कब हुआ? 42वें संशोधन 1978 के अनुसार मूल अधिकारों की संख्या
मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 रह गई। ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस को, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स टोटल 7 थे, लेकिन 42 अमेंडमेंट 1978 के बाद क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स की जो काउंटिंग थी उसको क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया। अब वो कितनी रह गई, वो अब घटकर 6 रह गई। कितनी रह गई, 6 रह गई। 1978 यानी 42वें संशोधन के द्वारा 7वें अधिकार कौन सा था, 7वां अधिकार वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। रिपीट कर लीजिए, 42वें संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे कौन सा आर्टिकल कहा गया है, इसे कहा गया है 300 क भाग 12, इसको क्या कहा गया है, 300 क भाग 12, यानी कि आर्टिकल नंबर 300 क भाग 12 के अनुसार 42वें संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग 7वां अधिकार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी अब ये क्या नहीं रहा, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार बन गया। याद रखेंगे, देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने ना, वो ये भी पूछ सकता है कि कानूनी अधिकार कौन से आर्टिकल के द्वारा बना, तो वो बना 300 क के अनुसार, भाग कौन सा था, भाग था 12। याद रखेंगे, एक बार रिपीट कीजिए, कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे, कितने रह गए, 7 रह गए, कितने अधिकार रह गए, 7 रह गए, कितने, 7 नहीं, 7 अधिकार थे, कितने रह गए, 6 रह गए। 7वें अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 42वें संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 300 क के अकॉर्डिंग भाग 12 के अनुसार क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। चलिए अब पढ़ते हैं मूल अधिकार कौन से हैं, यानी मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, या फिर मौलिक अधिकार, एक ही शब्द है कि बेटा दो पर्यायवाची हैं, कभी आप कुछ और समझ लो, मैं क्या पढ़ा रही थी और क्या पढ़ाने लगी, ठीक है। ये है पहला, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, याद रहेगा पहला क्या है आपका, पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 19 अनुच्छेद 19 से कहां तक है बताइए, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, याद रहेगा
अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब हम 6 भी लिख लेते हैं, 5-6 भी लिख लेते हैं एक बार, एक साथ ही बात करेंगे इस पर। संस्कृति, संस्कृति का मतलब आप समझते हैं, किसी का नाम नहीं है ये। संस्कृति का मतलब क्या है? कल्चर। और शिक्षा का अधिकार, और यानी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद बताइए कहां से कहां तक है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। 6 कौन सा बचा बताइए? यस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए इन सभी पर बात कर लेते हैं। क्या सबसे पहले है आपका समानता का अधिकार, यह है आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। इसमें सभी चीजों की समानता की बात कही गई है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ ही समय में। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं आपके, वो अनुच्छेद 23 से लेके 24 के अंदर दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हमने सिर्फ आपको वो 6 अधिकार बताए हैं जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 5 ऑप्शन दे देगा, छठा पूछ लेगा, ठीक है? तो आपको सभी आर्टिकल नंबर वगैरह याद होने चाहिए, या फिर आपको आर्टिकल दे देगा और ये पूछ लेगा बताइए इस आर्टिकल के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता मिलती है आपको, ठीक है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 अभी पढ़ाना हमने, 14 से 18 तक था वो। तो क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है अनुच्छेद 14? विधि के समक्ष समानता, या फिर समान संरक्षण। इसको समझिए अब आप सबसे पहले। विधि के समक्ष, कानून के सामने समानता, सभी लोग इक्वल हैं, समान संरक्षण, चाहे वो आदमी अमीर हो या गरीब हो। आपातकाल की स्थिति में, ये नेशनल इमरजेंसी वाला आपातकाल नहीं बेटा, कौन सा आपातकाल? बाढ़ या फिर किसी भी तरह के ऐसे मसले में जो प्रकृति के अंतर्गत हो, या किसी के द्वारा दंगे कराए गए हो, या ऐसी कोई भी इमरजेंसी की स्थिति हो जिसमें जान माल को खतरा हो, उसके अनुसार कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे और सभी लोगों को समान संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विधायक का लड़का पहले निकाल लिया जाएगा, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें होती हैं, मैं भी समझती हूँ, लेकिन ये चीजें दी गई हैं जो हमारे संविधान में, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की नहीं। क्या बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं कि विधि के समक्ष सभी लोग समान रूप से हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो। आम नागरिक की जितनी शक्ति है उतनी ही प्रधानमंत्री की है, दे आर इक्वल, ठीक है? समान संरक्षण होगा, दोनों को समान संरक्षण की प्राप्ति होगी। आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। क्या है अनुच्छेद 15? राज्य, धर्म, मूलवंश, राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर सभी लोगों को समान समझेगा, सभी लोगों को समान समझेगा। यानी कि जब स्टेट की पावर की बात होगी,
राज्य सरकार की शक्तियों की बात होगी तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, यानी मान लीजिए अगर आपके पास हिंदू गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, तो आप मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सिखों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, पारसी समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 15 आपकी आयुष्मान खुराना की भी फिल्म है, आप उसको जरूर देखिएगा, वो भी जरूरी है। राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग, यानी कोई भी राज्य किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं होगा, किसी मूल वंश के प्रति कट्टर नहीं होगा। मूल वंश मतलब किसी की हेरिडिटी, किसी के खानदान से अगर वो चिढ़ता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी खानदानी दुश्मनी किसी से निकालेगा। जाति किसी की कास्ट क्या है, आपकी कास्ट कुछ और है, उसकी कुछ और है। लिंग यानी कि आप स्त्री पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर के आधार पर किसी से कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। जन्म के आधार पर, वो आदमी कहाँ का है, मान लीजिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं रहने वाले, उत्तर प्रदेश में से कहाँ के, मेरठ के रहने वाले हैं, और वो कहाँ, इलाहाबाद के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो मेरे जन्म स्थली का आदमी है, या इसकी तो जन्म स्थली पाप की स्थली है, मैं इससे कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा। नहीं, राज्य सरकार सभी के लिए एक समान तौर पर कार्य करेगी, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। आर्टिकल नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16, राज्य लोक नियोजन, राज्य लोक नियोजन में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सेम एज इट इज ही है, थोड़ा डिटेल में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए गांधी जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, वो क्या है, अस्पृश्यता का, चलिए लिख देती हूं, अनुच्छेद 17, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता बोलते हैं आप जिसको, जैसे कि दलित वर्ग है या कोई और वर्ग है या आपसे निचली जाति का व्यक्ति है, तो आप उसे पब्लिक प्लेस को यूज करने से मना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि उसकी कास्ट कुछ और है, उसकी जाति आपसे नीचे है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसको किसी भी पवित्र स्थान को या किसी भी सार्वजनिक स्थल को छूने से मना नहीं कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट, वरना इसके अनुसार आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, कार्यवाही हो जाएगी, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18, राज्य सेना, राज्य आर्टिकल नंबर 18 के अनुसार क्या है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई भी उपाधि क्या नहीं करेगा, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसे एक और क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, वो क्या है कि बताइए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, बताइए। यस, अनुच्छेद 18 के अनुसार। क्यों किया गया ऐसा, कहीं राज्य किसी और स्टेट से
फॉरेन कंट्री के किसी भी स्टेट को कोई सम्मान ना देने लगे, या फिर केंद्र सरकार की किसी नियम की अवहेलना ना कर सके, या किसी से अपने बहुत ज्यादा संबंध ना बढ़ा सके, और किसी भी तरीके से वो क्या ना कर सके, केंद्र के नियंत्रण से बाहर ना आ सके, इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि हमने भूतकाल में अंग्रेजों के जमाने में, फ्रांसीसियों के जमाने में बहुत कुछ झेल लिया था, इसके अलावा और कुछ झेलने की क्षमता नहीं बची हुई थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता। बता दीजिए आज आप मुझे कि वाक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, बताइए, बोलिए। इसमें तीन तरह के शामिल हैं, वाक स्वतंत्रता के साथ साथ क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन व संगठन की स्वतंत्रता। किसमें है? आर्टिकल नंबर 19 में है, तीन पॉइंट है। वाक स्वतंत्रता का मतलब है आपको अपने विचार प्रदर्शित करने की, आपको अपने विचार प्रेषित करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, इसलिए प्रेस के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसको बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार न्यायपालिका के दबाव में आने के बाद प्रेस, या फिर अगर प्रेस यानी मीडिया डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं किसी सरकार से प्रभावित है या वहां से पैसा ले चुका है, तो फिर वो दबाव गुट का कार्य करने लगता है और उनकी बात मानने लगता है, और वो सरकार के खिलाफ कभी भी कुछ लिखना पसंद नहीं करता है। कई बार ये स्थिति हमारे देश में हुई भी है, और चाइना में तो किसी भी चीज की अनुमति ही नहीं है सरकार की बुराई करने की, लेकिन ये बेसिक है, इसके ऊपर ही हमारे पूरे देश का लोकतंत्र किस बात के ऊपर खड़ा है, वो है वाक स्वतंत्रता के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है, विवादपूर्ण कोई बात नहीं करेंगे हम, शांतिपूर्ण सम्मेलन। आप कहीं पर भी किसी भी आवश्यक चीज के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, वह अपने संगठन को बना सकते हैं। ये सब आपको कहां से मिले हैं? आर्टिकल नंबर 19 से, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे पक्का याद कर लें आप, हैं सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ही अपराध के लिए दोषी को दो बार सजा नहीं दी जा सकती, दो बार सजा नहीं दी जा सकती। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, सिंपल शब्दों में के साथ लिखा मैंने। एक, मान लीजिए किसी आदमी ने एक अपराध कर दिया है, तो आप उसको दो बार पनिश नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, में घोषणा की गई क्या घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग, क के अनुसार घोषणा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये आर्टिकल में आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि वो आर्टिकल नंबर बताइए आप जिसके द्वारा राज्य सरकार को आदेश है कि राज्य सरकार को 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 21.1 या फिर क, इसके अनुसार अनुच्छेद 21, वो तो क था, अब अनुच्छेद 21 आ जाइए। अनुच्छेद 21 के अनुसार
क्या दिया गया है? क तो हो गया है आपका राज्य के द्वारा घोषणा की गई है निशुल्क शिक्षा की। कार्यपालिका तथा विधायिका, समझिए कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के लिए, सोचिए कार्यपालिका व विधायिका दोनों के कृत्यों के लिए या फिर उनके अगेंस्ट के, आप विरुद्ध लिख लीजिए, के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पर्सनल लाइफ में, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के लिए एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के किसी भी कार्य के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के अगेंस्ट क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है, यानी आपको कोर्ट जाने की अनुमति देता है। आप उसके द्वारा किसी भी ऐसे कानून के द्वारा आप क्या कर सकते, मान लीजिए कानून पारित हुआ जो कि जनता के फेवर में बिल्कुल नहीं है, तो आप आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं कि ये रूल गलत है और हम इस रूल के खिलाफ क्या करते हैं, दावा पेश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों के कृत्य के विरुद्ध क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। अब आ जाइए अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 32 किस लिए है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताइए क्या है, याद है आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है इसे, अगर कोई संविधान का नियम क्या बन जाता है, गलत बन जाता है या किसी चीज के अगेंस्ट है या ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ संविधान में संशोधन करा सकते हैं, इसे हम कहते हैं संविधानों का उपचार। यहां पढ़िए आप सर्वोच्च न्यायालय, या एक और चीज, या इसके अलावा उच्च न्यायालय, को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। एक बार इसे समझेंगे मेरे साथ, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, अगर कार्यपालिका या फिर विधायिका किसी भी कारणवश मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को क्या करते हैं, कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को इस बात का पूरा अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग कि वो क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं और इसके लिए नजीर कायम कर सकते हैं। इस नाम में पढ़ा जो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए रह गया वो रहा धार्मिक स्वतंत्रता, ये शब्द आए हैं आपके, ये तो थे महत्वपूर्ण आर्टिकल। धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां है, 25 से 28 तक अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, यानी आप अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे धर्म अपना सकते हैं और जो चाहे धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप उनके लिए सामाजिक संस्थाओं का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और अपने धर्म के लिए संगठन का भी निर्माण कर सकते हैं, परंतु याद रहे कि आपको गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं तोड़ना है। दूसरा था आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अगर आपको लगता है कि आप माइनॉरिटीज के हैं या फिर आपकी संस्कृति पौराणिक है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। माइनॉरिटीज के स्कूल इसीलिए तो फेमस है बिटू, क्योंकि वो क्या है कि वो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के अकॉर्डिंग
अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा का प्रचार व प्रसार भी कर सकते हैं। ये कौन सा है? अनुच्छेद 29 व 30। एक था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। अगर आपका कोई भी संस्था या कोई भी संगठन शोषण करते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप दावा पेश कर सकते हैं। आप यौन शोषण के खिलाफ भी, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, किसी भी शोषण के खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं। ये सारे राइट्स आपके कहाँ हैं? अनुच्छेद 23 व 24 में। ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि विधि के समान या फिर विधि के समक्ष, अभी पढ़ा था ना हमने, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के अलिखित, देखिएगा आप इसी सेंटेंस में कितने क्वेश्चन बनते हैं, संविधान से प्रेरित है। क्या है बताइए? विधि के समान, विधि के समक्ष समानता किससे प्रेरित है? ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है। और डायसी द्वारा प्रतिपादित, डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन, डायसी राइटर का नाम है, डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा व्याप्त है। एक क्वेश्चन आया था ईसीएस में 2011 में आया था, मैं भी याद नहीं है टाइम, हो सकता है विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के, नहीं उसमें पूछा गया था विधि के समक्ष समानता कौन से देश से ली गई है, ये विचार कहां से प्रेरित है, और उसमें ऑप्शन ब्रिटेन भी था। तब हमको लगता है क्या कि ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है तो वहां से तो नहीं लिया होगा, लेकिन ये ट्रू है कि वहां के अलिखित संविधान से हमने क्या लिया है, विधि के समक्ष समानता। और इसका मेन फाउंडर कौन है? डायसी। कौन है? डायसी। इसने किस चीज का फॉर्मूला लगाया? विधि का शासन। विधि का शासन क्या होता है? रूल बाय व्हाट? विधि का शासन, रूल, वो वाला रूल करना, बाय रूल यानी कि नियमों के, कानून के द्वारा, आप इसे ये भी कह सकते हैं रूल बाय लॉ, ठीक है, यानी कि कानून के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, ठीक। चलिए यहां आपके कितने हो गए? आर्टिकल्स भी हो गए। जो आर्टिकल्स बार बार किससे पूछे जाते हैं? मौलिक अधिकारों से पूछे जाते हैं। विधि के समक्ष समानता भी हो गई आपसे, वो ये भी पूछेगा कि कौन से अधिकार के अकॉर्डिंग, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग निकाला गया किसको, संपत्ति के अधिकार तो कौन सा था वो? अनुच्छेद नंबर 300 क। वाक् स्वतंत्रता शब्द कहां से लिया गया? बताइए कहां से लिया गया होगा वाक् स्वतंत्रता शब्द? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हाउ टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, अवर इमोशन, अवर थिंकिंग, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब है स्वयं को व्यक्त करना। अभि मीन्स अपना, व्यक्ति मीन्स व्यक्त करना, यानी क्या करना? व्याख्या करना अपनी। तोड़ दिया मैंने इसे अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की, भारतीय
संविधान की अपनी मौलिक व्यवस्था है। भाई ये वर्ड हमने कहीं से नहीं लिया है, ये हमारा अपना है। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक स्वतंत्रता का शब्द हमने कहां से लिया? वो लिया हमने अमेरिका के संविधान से। विधि का शासन डायसी का है, वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के अलिखित संविधान से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपनी मौलिक क्या है? व्यवस्था है। आपको जो चीजें याद रखनी है प्रैक्टिकली लाइफ में भी, कि किसी व्यक्ति का फोन टेप करना, किसी व्यक्ति का फोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति 19.1 के अनुसार तथा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 का क्या है? बताइए, उल्लंघन है। अब आप इस आर्टिकल को समझने के बाद किसी को भी ये कह सकते हैं कि अगर आपने हमारा फोन टेप किया तो आपको आर्टिकल नंबर 19.1 का और आर्टिकल नंबर 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार आपको जेल भिजवाया जा सकता है, जिसमें इतनी आसानी से बेल यानी जमानत भी नहीं होगी। देख लीजिए संविधान के कितने फायदे हैं। अगर आपको बेसिकली पता हो कि आपके अधिकार क्या क्या हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। किसी व्यक्ति का फोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति 19.1 क तथा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके सोचने के उसमें आएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के अधिकार। अनुच्छेद 21 के अधिकार, क्या क्या अधिकार है भाई अनुच्छेद 21 के? अच्छे पर्यावरण का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, नंबर 3 विधिक सहायता का अधिकार, नंबर 4 एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, 5 पैरों में डंडा या बेड़ी के विरुद्ध अधिकार। अब मैं बोलूंगी और आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अच्छे पर्यावरण का अधिकार, अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दे कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार आपको किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिला है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग हमें अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आपके आसपास कोई भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थल का दुरुपयोग कर रहा हो या आपके पास फैक्ट्री लगी हो, तो आप आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग अच्छे पर्यावरण ना होने के बाद आप उस स्थिति को या उस परिस्थिति को हटाने का कष्ट कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दे सकते हैं कि मेरे 21 आर्टिकल का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है घर के पास, वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रही है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आपके पास तालाब है, उसमें मछलियां सड़ गई हैं, बदबू या स्मेल हो रही है, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा बड़ी महामारी फैलने का खतरा है, चूहे मर गए हैं, तो क्या कर सकते हैं आप आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग अपनी
क्या अच्छे पर्यावरण का अधिकार मांग सकते हैं। नंबर टू, शीघ्र विचारण का अधिकार। आप किसी को भी ये कह सकते हैं कि अगर आपका मामला न्याय के न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है और आपकी जान खतरे में है, तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरी बात पर पहले विचार किया जाना चाहिए। विधि सहायता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त विधि सहायता अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। अगर कोई फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है कि वो लॉयर हासिल कर सके, तो गवर्नमेंट का काम है। एकांत कारावास के विरुद्ध। कभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एकांत कारावास दिया गया है, तो आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, क्योंकि एकांत में आदमी क्या हो जाएगा, मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाएगा, वो अकेले डर सकता है। इसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। पैरों में डंडा या बेड़ी बांधकर पुलिस अगर कोई कार्रवाई करे, ये अधिकार भी आपको आर्टिकल नंबर 21 देता है। इसके विरुद्ध भी आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। छह, नंबर सिक्स, मान लीजिए आपके यहां किसी ने हत्या कर दी है और उसको फांसी जल्द दी नहीं जा रही है, सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, उसको फांसी जल्दी दिलवा सकते हैं। सात, क्या है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। अगर आप कहीं पर ऐसी स्थिति में हैं, सरकार के द्वारा है, पड़ोसी के द्वारा है, या आपको किसी भी उस चीज के लिए भी अगर उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार मांग सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है ना, पानी नहीं देते उसको गंदा दे देते हैं। याद रखिएगा, ये आपका बेसिक अधिकार है। अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हैं और वहां पर पीने का योग्य स्वच्छ नहीं है, तो आप इसके खिलाफ न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को पीने योग्य स्वस्थ या स्वच्छ जल क्या कराए, उपलब्ध कराए। आज अच्छी सड़कों का अधिकार। किसी ठेकेदार ने कोई सड़क खराब बना दी है या आपकी सड़क को बने हुए बहुत सारा समय व्यतीत हो गया है, तो आप एप्लीकेशन दायर करके अच्छी सड़कों का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठा का अधिकार। अगर आपको लग रहा है कि किसी आदमी ने आपकी मानहानि कर दी है या आपकी प्रतिष्ठा को क्या पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, तो आप उसके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। याद रहेगी ये चीजें आपको। एक शब्द आया था बेटा, रिट। रिट का मतलब समझ लीजिए, बहुत बच्चों के दिमाग में होगा, भूल गई इस टाइम ही आपको बताना, वो सुन लिया। रिट का अर्थ होता है याचिका। याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जो आपके पास पांच मुख्य रिट हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो रिट का मतलब होता है याचिका, यानी कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अब हम इन्हें क्विकली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के अलिखित संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, आप ये याद रखिए, बताइए, अमेरिका से बताइए। अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि वाक स्वतंत्रता, सॉरी, अभिव्यक्ति का अधिकार किसकी देन है, भारतीय संविधान की देन है, खुद की। डायसी ने क्या दिया था, विधि का शासन। टोटल कितने हैं आपके मूल अधिकार, 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। 42 अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, जो आपका मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। उसके आर्टिकल का क्या नाम है, 300 क भाग 12। ये सब याद रहेगा आपको, आप देख रहे हैं ऑफकोर्स स्टडी पोर्टल।
जो कि विजय सर के द्वारा संचालित है। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस में नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जो आप कभी भी किसी भी जगह से फोन करके क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आज के टॉपिक को आप याद रखेंगे और इसे जल्दी रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए एक चार्ट बनाएं जिसमें आप डे बाय डे की एक्टिविटी लिखें। पॉलिटिकल साइंस रटने का विषय नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद हो जाएगा। याद है आपको एक चीज और, मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है 19 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ये सभी बातें आप याद रखेंगे और अपनी तैयारियों को आगे की ओर ले जाएंगे, अपने लिए एक चार्ट बनाएंगे, टाइम टेबल रेडी करेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।